टुडे वी स्टार्ट विद द टॉपिक किंगडम फंगी। टू किंगडम्स हमने कर लिए। फंगी के जो करेक्टर्स हैं वो क्या क्या होते हैं, जो फीचर्स देखने को मिलते हैं। फंगी आर सिंपल नॉन ग्रीन मल्टी सेलुलर यूक्रियोटिक। इसमें क्या है, सिंपल मतलब इसकी कोई खास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होती, बहुत ही सिंपल सा ऑर्गेनिज्म होता है। नॉन ग्रीन होती है। मल्टी सेलुलर मतलब जैसे प्रोटिस्टा थे वो यूनिसेलुलर होते हैं, वैसे जो फंगी है ये मल्टी सेलुलर मतलब मैनी सेल्स की होती है, मैनी सेल्स से मिलके बनी होती है। यूक्रियोटिक दैट इज़ जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आती है ये। एक्सेप्ट ईस्ट विच इज़ यूनिसेलुलर फंगस, इसमें सिर्फ जो ईस्ट है वो यूनिसेलुलर की एग्जाम्पल है, प्रोटिस्टा का जैसे उसका एक करेक्टर है, बट बाकी के करेक्टर्स जो है वो उसके फंगी से मैच होते हैं। सो इसको क्लासिफिकेशन के बेसिस पे फंगी किंगडम में रखा हुआ है। दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो फंगी होती है वो डेड जो मरे या गल सड़ रहे होते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स उनके ऊपर ग्रो करती है, उनसे अपना जो फूड है वो ड्राइव करती है। दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक। अब ये ग्रीन नहीं होती तो इनमें क्लोरोफिल भी नहीं होता, तो जिसके वजह से ये नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, हेटरोट्रॉफिक होती है। मोस्ट ऑफ देम आर सेप्टोट्रॉफ्स एज दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वाइल अ फ्यू आर पैरासाइट्स। अब ये हेटरोट्रॉफिक होती है मतलब किसी और से फूड लेती है, तो ज़्यादातर इनमें से जो फंगस है वो सेप्टोट्रॉफ्स होती है मतलब जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड ले, और इनमें से कुछ जो होती है वो पैरासाइट होती है। पैरासाइट का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहती है और उन्हीं से फूड लेती हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी है, आर फंगी सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट, कि वो सेप्रोफाइट होती है या पैरासाइट। सम फंगी आर सेप्रोफाइट वाइल सम अदर्स आर पैरासाइट। सेप्रोफाइट फंगी फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, पैरासिटिक फंगी फीड ऑन लिविंग मैटर। मतलब जो सेप्रोफिटिक है वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रहती है, और जो पैरासिटिक है वो लिविंग मैटर के ऊपर रहती है। दैट इज़ दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल, जो लिविंग अदर प्लांट्स और एनिमल है उनके ऊपर रहेगी और उन्हीं से फूड एंड वाटर लेगी, तो वो बोथ सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक दोनों टाइप की हो सकती है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए है, मेक्यूर मशरूम राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, एस्पैरागिलस एंड पेंसिलम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं फंगी की। नेक्स्ट आते हैं, द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर फिलामेंटिशियस फंगस इज़ कॉल्ड माइसीलियम। इसमें जो फिलामेंट्स लाइक थ्रेड लाइक ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको माइसीलियम बोलते हैं, विच इज़ कम्पोज ऑफ सेवरल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। इसके ये जो काफ़ी सारी थ्रेड्स जो आपको नज़र आ रही हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हाइफे, या ये जो नीचे रूट्स हैं इनको भी हम हाइफे बोलते हैं। देयर सेल वॉल्स आर फॉर्म्ड ऑफ काइटिन नॉट ऑफ सेलुलोस। इनकी जो सेल वॉल्स है, जैसे प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोस से बनी होती है, बट इनकी जो सेल वॉल्स है वो काइटिन से बनी होती है। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। इनकी जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो है स्पोर फॉर्मेशन, इनमें स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, डस्ट लाइक मैटर होता है, जब जो स्पोर्स है जब सुपरेंजियम से बाहर निकलते हैं, जैसे ये स्पोर्स हैं ये सुपरेंजियम से जब बाहर निकलेंगे तो जिस भी मटीरियल के या आर्टिकल के ऊपर गिरेंगे वहाँ पर ये ग्रो करेंगे। सम फंगी लिव इन सिम्बोटिक रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गे सच एज इन लाइकेंस। अब कई बार क्या होता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गे क्लाइडोमोनस है और जो फंगी है वो दोनों एक म्यूचुअल डिपेंडेंस में सिम्बोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बोटिक होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। एल्गी अगर उसको फूड प्रोवाइड करेगी, क्योंकि एल्गी जो है उसमें ग्रीन कलर भी है तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो वो फूड जो है वो अपना शेयर करेगी फंगी के साथ, तो जो फंगी है वो उसको रहने के लिए शेल्टर देगी। मतलब दोनों एक दूसरे से एक म्यूचुअल डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, उस टाइप के रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बोटिक रिलेशनशिप।
और जब फंगी एंड एल्गे दोनों इस टाइप का रिलेशनशिप शो करते हैं तो उनको हम एक टर्म बोलते हैं लाइकेंस। इसके एग्जांपल्स है म्यूकर एंड राइजोपस मोल्ड्स जिसको बोलते हैं, अगेरिकस जैसे कि ये मशरूम है, अस्पेरिगुलस ये वाली एग्जांपल, पेंसिलम एंड ईस्ट ये सारी जो है एग्जांपल्स ऑफ फंगी है जो ऊपर डायग्राम में भी दिखाई हुई। नेक्स्ट यहाँ पे एक और डायग्राम है, इसमें दिखाया हुआ कि कैसे जो फंगी है वो रिप्रोड्यूस करती है और क्या क्या इसके स्ट्रक्चर्स होती हैं। सबसे पहले जैसे तो एक मॉइस्ट ब्रेड है, इसके ऊपर ग्रो कर रही है फंगी, उसको हमने माइक्रोस्कोपिक करके देखा है। ये है राइजोइडियल हाइफेज जो नीचे इसकी रूट जैसी स्ट्रक्चर से थ्रेड लाइक, जो इसकी स्टेम है ये वाली इसको बोलते हैं स्टोलन, ये इसकी स्टेम होती है जो आगे ही आगे ग्रो करती रहती है। नेक्स्ट आता है सुपरेंजियोफोर, ये जो ऊपर वाला एक फिलामेंट है इसको सुपरेंजियोफोर बोलते हैं, और ऊपर जो कैप्सूल लाइक एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है ये राउंडेड उसको हम बोलते हैं सुपरेंजियम, जिसके अंदर काफ़ी सारे स्पोर्स होते हैं। ये कैप्सूल जब ब्रस्ट होता है फट जाता है तो इसमें से काफ़ी सारे जो स्पोर्स हैं वो बाय विंड और बाय वाटर जहाँ पे भी जाके गिरेंगे, किसी भी एजेंसी के साथ किसी और ब्रेड के पीस के ऊपर गिरेंगे या कोई भी सोयल के ऊपर गिरेंगे तो वहाँ पे भी फंगी जो है वो ग्रो करेगी। तो नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है मोल्ड्स के बारे में, यह स्पेशल ब्रेड मोल्ड के ऊपर ही है जो हम नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे।